गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप नीट। दिस इज योर वैष्णवी मैम। हाउ आर यू गाइस? सो आज के वन क्वेश्चन कन्फर्म सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने टॉपिक लिया है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है, अब देखो पहले हम जनरल डिस्कस करते हैं कि एसिड होता क्या है। ठीक है, जनरली एसिड क्या होता है, जो कि अगर आपने एक्वस मीडियम लिया, एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक एसिड है, ठीक है, उसका आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, राइट, और वो जो है उसका जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, उसका पीएच जो है वो कम कर दे। ठीक है, पीएच कैसे कम करेगा? बाय इंक्रीजिंग द एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन, दैट इज, इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे ही हम एसिड को पानी में घोलते हैं वो एच प्लस आयन जो है वो रिलीज करता है। एच प्लस मीडियम में एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता है, हमारा पीएच जो है वो हमारा डिक्रीज होता है। ठीक है, ये हो गया जनरल इक्विलिब्रियम की बात हो गई। अब हम आते हैं वापस ऑर्गेनिक में। ठीक है, अब मैं अल्कोहल और फिनॉल पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड लूँ और इसकी एसिडिक नेचर की डिस्कशन करूँ तो कैसे होगा? ठीक है, तो आपको सबको स्ट्रक्चर पता है। ठीक है, आपका अल्कोहल क्या होता है? ROH। ठीक है, और आपका फिनॉल क्या होता है? AROH। दोनों जो है वो अल्कोहल फैमिली में आते हैं, राइट। नॉर्मल एलिफैटिक अल्कोहल क्या होता है? जिसमें R ग्रुप हो। और एरोमेटिक अल्कोहल क्या होता है? वो फिनॉल होता है, हम उसको यूजुअली फिनॉल बोलते हैं, जिसमें AR ग्रुप हो। ठीक है, ये सबको पता है। अब हम डिस्कस करते हैं एसिडिक नेचर, ये क्यों एसिडिक होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिडिटी क्यों जनरेट होती है? यूजुअली ये जनरेट इसलिए होती है क्योंकि आपका जो OH बॉन्ड है ना, देखो हमें क्या निकालना है, हमें प्रोटॉन जो है वो निकालना है। ठीक है, एच प्लस आयन जो है निकालना है। ठीक है, अगर आपका एच प्लस आयन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, ठीक है, तो इस बॉन्ड में क्या आएगा, इस बॉन्ड में आपका पोलैरिटी जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, पोलैरिटी जो है जनरेट होगा, राइट। तो दैट इज़ जहाँ आपको OH जो बॉन्ड है उसमें एक साइड पे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे आएगा आपका डेल नेगेटिव, और हाइड्रोजन जो है आपका डेल वो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत लीस्ट है इसकी, तो यहाँ पे आपका डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये होता है पोलैरिटी डिफरेंस। जब हमारा चार्ज जो है वो सेपरेट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, उसको हम कहते हैं पोलैरिटी। ठीक है, इस बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट हो गया, दैट इज़ ये बॉन्ड जो है पोलर बन गया। ठीक है, अब ये बॉन्ड जो है वो इजीली टूट सकता है। ठीक है, एक बार आपका बॉन्ड जो है वो पोलर बन गया, ठीक है, तो क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपने पास ले लेगा और प्रोटॉन को जो है वो रिलीज कर देगा एज अ एच प्लस आयन। ठीक है, इसीलिए अब देखो ये मॉलिक्यूल है, मेरा मॉलिक्यूल है, और एच प्लस आयन जो है रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है, इसीलिए ये बना मेरा ये एसिड। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आपका सी एच बॉन्ड है, ये जो है ये एसिड की तरह नहीं रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है बहुत लीस्ट होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसीलिए यहाँ पे पोलैरिटी जो है जनरेट नहीं होता, आपका ये कोवलेंट बॉन्ड ही रहता है, नॉन पोलर बॉन्ड रहता है, इसीलिए ये जो है नॉर्मल एल्केन्स जो है आपका एज अ एसिड जो है वो आपका नहीं बन सकते। बट फिनॉल और अल्कोहल में क्योंकि OH बॉन्ड आ गया और यहाँ पे OH के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई है, तो पोलैरिटी डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से अल्कोहल और फिनॉल जो है वो एक्वस मीडियम में एच प्लस आयन देने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, ये था आपका बेसिक, राइट। जब आपका एच प्लस आयन दे दे, ठीक है, एक बार आपका एच प्लस आयन दे दे, तो आपका नॉर्मल एलिफैटिक अल्कोहल क्या बनाता है? आपका आयन बनाता है, दैट इज अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, ये क्या है? ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, राइट। एक एसिड है, राइट, एसिड जो है जब आपका एच प्लस आयन डोनेट करके जो आपका आयन बनता है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली अगर मैं बेस की बात करूँ, तो जब वो एच प्लस आयन एक्सेप्ट करता है या अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो वो करस्पॉन्डिंग बनाता है कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, ये सबको पता है, राइट। और अगर मैं फिनॉल की बात करूँ, तो ये क्या बनाता है? इसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस क्या है? इसको हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ARO- और RO-, ये आपको टर्म्स पता होना चाहिए, बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये था आपका बेसिक। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक नेचर। ठीक है, सबसे पहले तो पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड मैंने ये बता दिया। ठीक है, क्यों आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अल्कोहल और फिनॉल पर्टिकुलरली आपके एसिडिक क्यों होते हैं? क्योंकि OH बॉन्ड में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो आपका जनरेट होता है, जिसकी वजह से H प्लस आयन जो है वो आपका इजिली डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस आयन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपका क्या क्या बनता है, एक तो आपका RO- बनता है और आपका ARO- बनता है, जो कि आपके कॉन्जुगेट बेसिस है। ठीक है, अब मैं बार बार रिपीट करती हूँ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब भी
ठीक है, जब भी वो लेस स्टेबल स्टेट से, ठीक है, लेस स्टेबल स्टेट से मोर स्टेबल स्टेट जाने की टेंडेंसी रखते हैं ना, तो वो हमेशा वो पाथवे को ऑप्टेन कर लेंगे, ठीक है, उसी पाथ को फॉलो कर लेंगे. क्यों? क्योंकि कोई सा भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अपने 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 से कंपेयर कर लो, ठीक है. अगर आप एक लेस हैप्पी स्टेट पे हो, ठीक है, और आप कुछ करके, ठीक है, अपने आप को चॉकलेट खिला के या अपने आप को कुछ भी चाउमीन वगैरह खिला के आप अपने आप को मोर हैप्पी स्टेट में लेकर आ सकते हो, ठीक है, लेस हैप्पी स्टेट से मोर हैप्पी स्टेट में लेकर आ सकते हो, तो ऑब्वियसली वो आप करोगे, राइट. आपको बहुत क्रेविंग हो रही है चॉकलेट की, राइट, आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है, तो ऑब्वियसली आप जाओगे आइसक्रीम खाओगे और अपना जो लेस हैप्पी स्टेट है उसको आप मोर हैप्पी स्टेट बनाओगे. ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है. सिमिलरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की भी टेंडेंसी है कि वो हमेशा लेस स्टेबल स्टेट से मोर स्टेबल स्टेट जाने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है. और अगर जो आपका एसिड है, ठीक है, जो आपका एसिड है वो जो है वो आपका क्या बना रहा है, कॉन्जुगेट बेस बना रहा है, और आपका जो कॉन्जुगेट बेस जो है, जो आपका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा वो आपका मोर स्टेबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू एसिड, ठीक है. एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि एसिडिक नेचर है और उसने कॉन्जुगेट बेस अपना करस्पॉन्डिंग बना दिया और ये उसने डिटेक्ट किया कि वो जो है कॉन्जुगेट बेस जो मेरा बना है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू एसिड वाला मॉलिक्यूल. तो ऑब्वियसली एसिड की क्या टेंडेंसी होगी, वो जो है वो रिलीज करेगा, जल्दी से जल्दी अपना H+ आयन रिलीज करेगा और अपना करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस जो है बना देगा, ठीक है. इसीलिए जितना ज़्यादा आपका कॉन्जुगेट बेस आयन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा वो करस्पॉन्डिंग एसिड की टेंडेंसी जो है रिलीज, एसिड की H+ आयन रिलीज करने की टेंडेंसी जो है वो आपकी बढ़ेगी, ठीक है. ये जो है ये नॉर्मल था. इसीलिए अगर आपने एक क्या, अगर आपको एसिडिक नेचर चेक करना है कि ये स्ट्रॉन्गर है या लेस स्ट्रॉन्गर है, तो आप क्या करेंगे, आप एसिड लो, ठीक है, अपना जो है वो एसिड लो और उसका कॉन्जुगेट बेस जो है बना लो, ठीक है. अगर आपका कॉन्जुगेट बेस बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली वो जो है वो आपका मोर एसिडिक है एज कम्पेयर टू दूसरा एसिड जो कि लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस आयन बनाएगा, ठीक है. तो ये था आपका जनरल एसिडिक नेचर किस किस पे हम डिपेंड कराते हैं, ओके. अब हम पढ़ते हैं एसिडिक नेचर ऑफ सिर्फ अल्कोहल, ठीक है. हमने अल्कोहल फिनॉल दोनों का जनरल डिस्कशन कर लिया, अब हम पढ़ते हैं अल्कोहल, सिर्फ अल्कोहल की टेंडेंसी, ठीक है. तो जैसे कि मैंने बताया एसिडिक नेचर जो है, राइट, एसिडिक नेचर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मैंने बता दिया. अब ये माइनस आए, ठीक है, ये माइनस आए और ये माइनस आए और प्लस आए मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि देखो आपका कॉन्जुगेट बेस क्या बनता है, आपका अनायन बनता है, राइट, दैट इज जो आपका आर ओ माइनस बनता है ये क्या है, ये एक अनायन है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है. अब इस अनायन में मैंने एक ग्रुप डाल दिया जो कि माइनस आई इफेक्ट दिखाए, दैट इज इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, ठीक है. अब इसकी चार्ज क्या होगी, अब इसकी चार्ज होगी क्या, डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने अपने टूवर्ड्स विड्रॉ कर रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ये होगी डिक्रीज. तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, करस्पॉन्डिंग इसकी स्टेबिलिटी जो है वो आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है. तो इसकी करस्पॉन्डिंग स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट, हाँ है ना. तो इससे क्या होगा आपका एसिडिक, क्यों, क्या देखो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दैट इज कॉन्जुगेट बेस आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और ये यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एसिडिक नेचर जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस आयन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. इसीलिए अगर मैं कॉन्जुगेट बेस आयन के साथ एक ग्रुप लगा दूँ जो कि माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है तो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इसीलिए उसकी करस्पॉन्डिंग एसिड की एसिडिक नेचर भी बढ़ाएगा. इसीलिए कोई भी अल्कोहल है और उसमें आपने माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप डाल दिया तो उस अल्कोहल की एसिडिक नेचर जो है वो हाईली इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू प्लस आए. अब क्या कर दिया, अब मैंने यहाँ पे एक ग्रुप डाल दिया जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, आपका पहले से ही अल्कोक्साइड आयन जो है नेगेटिवली चार्ज है और मैंने उसके साथ एक ग्रुप डाल दिया जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी जो है आपकी डिक्रीज होगी. स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई तो क्या एसिडिक नेचर भी आपका डिक्रीज होगा, ठीक है. तो इसीलिए आपका अल्कोहल जो है एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट ग्रुप और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, ठीक है. फिर हम आते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, इसमें क्या आपका ऑर्डर होगा, ये आपका जनरली पूछते हैं, ये आपका जो है जनरली एग्जाम में पूछते हैं डायरेक्टली, ये आपका 0 degree है, ये आपका प्राइमरी है और ये आपका सेकेंडरी है और ये आपका लास्ट टर्शरी है, क्योंकि इसमें तीन आर ग्रुप जो है कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़े हैं इसलिए टर्शरी कहलाया जाता है, ठीक है. ये तो बेसिक था, राइट. अब इसको कंपेयर करते हैं. अब देखो ये जैसे कि मैंने लिखा है, मैंने क्या बोला, जब भी आपको एसिडिक नेचर कंपेयर करना हो हमेशा उसका क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस बना दो, ठीक है. कॉन्जुगेट बेस बना के उसकी स्टेबिलिटी को चेक करो, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम है तो एसिडिक नेचर जो है कम होगा,
ठीक है। तो जैसे कि ये आपका सी एस टी ओ एच है, इसका इसका क्या है एल्कोक्साइड ये है, ठीक है। फिर ये बना, ये मैंने करस्पॉन्डिंग बना रखे हैं। अब एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाओगे आप तो इसका प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर, आर आर ग्रुप क्या है, आर ग्रुप की नंबर ऑफ आर ग्रुप आपके इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और आर ग्रुप क्या है, आर ग्रुप वो है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, और क्या दिखाता है ये, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। और अभी हमने पढ़ा, अभी हमने डिस्कस करा कि एसिडिक नेचर जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट ग्रुप के, ठीक है। तो देखो, प्राइमरी से सेकेंडरी फिर टर्शरी जाओगे, आपके नंबर ऑफ आर ग्रुप जो है आपके इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आर ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप भी आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आपका प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वो ऑब्वियसली आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है, जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप आपका इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे और ज़्यादा इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है आपकी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो एसिडिक नेचर क्या होगा करस्पॉन्डिंग, अगेन ये भी आपका डिक्रीज ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर आपका एसिडिक है तो आपका मिथाइल ग्रुप वाला है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप वाला जो है वो आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर आपका आता है प्राइमरी, फिर आपका आता है सेकेंडरी, फिर आपका लास्ट आता है टर्शरी। टर्शरी जो है आपका लीस्ट एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, इन अल्कोहल। ये आपको समझ आ गया, ये जो है डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको सबको पता होना चाहिए, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं फिनॉल का, ठीक है। अब मैं फिनॉल और एसिड को दोनों को साथ में लेके, सॉरी, फिनॉल और अल्कोहल को दोनों को साथ में लेके कंपेयर करूँ तो एक प्रॉपर्टी होती है फिनॉल की, कि फिनॉल जो है वो आपका स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, ठीक है। दैट इज़ ARO को लोगे और ROH को लोगे तो ARO का जो है वो KA वैल्यू ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ROH का KA वैल्यू, ठीक है। ऐसा क्यों अभी हम देखते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि मैंने बताया क्या क्या होता है, क्या क्या आपका फैक्टर इफेक्ट करता है, एक तो आपका पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक तो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब दोनों को चेक करते हैं, ठीक है। अब पहले आते हैं OH बॉन्ड फिनॉल को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो OH आपको पता है, OH क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो वो क्या दिखाएगा, जो आपका फिनॉल ग्रुप है, जो आपका बेंजीन ग्रुप है, उसके साथ क्या दिखाएगा, प्लस एम इफेक्ट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में, प्लस एम इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा, ठीक है। तो बेंजीन रिंग को जब डोनेट करता है तो क्या होता है, यहाँ पे देखो, जैसे ही उसने डोनेट किया तो ऑक्सीजन पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, जो कि हाईली अनलाइकली है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बन जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी जो है वो हाईली और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। पहले से ही आपका ऑक्सीजन क्या है, पहले से ही आपका ऑक्सीजन जो आपका नॉर्मल ऑक्सीजन एटम है पहले से ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और अगर मैंने इस पर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी, दैट इज इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, और ज़्यादा इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो OH बॉन्ड का जो पोलैरिटी है वो फर्दर आपका इंक्रीज नहीं होगा, फर्दर जो है वो आपका पोलैरिटी इंक्रीज नहीं होगा, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ऑक्सीजन जो है वो पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इसका मतलब क्या, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास खींचने की टेंडेंसी जो है उसको और इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये खींच रहा है तो क्या ये रिलीज क्या कर रहा है, ये H प्लस आयन जो है वो आपका रिलीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी एसिडिक नेचर जो है आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब मैं कंपेयर करूँ ROH की, ROH में ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बनता नहीं, OH पे आपका पॉजिटिव चार्ज आता नहीं, तो नॉर्मल इसकी टेंडेंसी टू रिलीज प्रोटॉन नॉर्मल रहती है। बट यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज तो इसकी टेंडेंसी टू रिलीज जो है वो ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू ROH। ये आपका एक फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है फिनॉल को और ज़्यादा एसिडिक बनाने में, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर देखो, दूसरा फैक्टर देखते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की। आपकी कॉन्जुगेट बेस क्या होता है फिनॉल में, फिनॉक्साइड आयन होता है, ठीक है। तो फिनॉक्साइड आयन देखो, ये आपका फिनॉक्साइड आयन है, अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ रही है, यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस एक फैक्टर है जो कि आपका स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है,
ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल में इक्वली नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्ट्रेस है और आप अनहैप्पी हो, ठीक है, और आप अपने चार पांच दोस्तों के साथ बात करोगे तो आपका क्या हो रहा है, स्ट्रेस जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। तो आप पहले हाईली स्ट्रेस स्टेट पे थे, एक बार बात करने के बाद आप लो स्ट्रेस स्टेट पे आ जाते हो, ठीक है। तो क्या हो रही है, आपकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि आपका नेगेटिव चार्ज है वो हाई डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी आपकी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो और बट ये जो है वो आपका अल्कोक्साइड आयन में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कोई रेजोनेंस आपका नहीं होता, तो यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी होती है बट बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन। इसीलिए क्योंकि आपका दोनों फैक्टर जो है वो आपका कोलैबोरेट करके ये फिनॉल की एसिटिक नेचर जो है वो इंक्रीज करती है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, ठीक है। ये था जनरल डिस्कशन, राइट। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है। अब मैंने ये तो नॉर्मल फिनॉल का हमने डिस्कस कर लिया, अब मैं कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप डाल दूँ, फिनॉल के जो रिंग है उसमें मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप डाल दिया। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है दो टाइप के होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। अब एक एक का डिस्कस करते हैं। तो अगर मेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, और ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज करिए। अब मैं पहले इस फिनॉक्साइड बना लेती हूँ, फिनॉक्साइड बनाया, ये आपका कॉन्जुगेट बेस है, इधर भी स्टेबिलिटी देख लो। मैंने क्या बोला, जब भी आपको कंपेयर करना है क्या देखोगे आप, पहले कॉन्जुगेट बेस बना दो करस्पॉन्डिंग, फिर उसकी स्टेबिलिटी को चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपने एक बार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल दिया तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसकी पूरी पूरी की पूरी जो आपका रिंग है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ रहा है। तो अगर आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिक्रीज हो रही है तो एसिडिटी भी करस्पॉन्डिंगली डिक्रीज होगी, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करो तो यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन है, राइट, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करा रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी क्या हो रही है आपकी, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, जैसे ही आपका मॉलिक्यूल में जो आपका चार्ज है पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अगर मैंने एक ग्रुप डाल दिया जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को कोई सा भी इफेक्ट दिखा के कम कर दे, तो आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो आपका विड्रॉ कर रहा है चार्ज को, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो एसिडिक नेचर भी आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर के इसमें आपके पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। एक एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पे देखो आपके डिफरेंट फिनॉल के डेरिवेटिव्स हैं और पूछ सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको प्लेस करो, ठीक है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कंपेयर करते हैं, यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और सेकंड को कंपेयर करो, यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट फर्स्ट में आपका नंबर ऑफ NO2 ग्रुप ज़्यादा है, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एक नंबर वाले में, ठीक है। तो फर्स्ट कंपाउंड जो है आपका सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, इन दोनों में NO2 है और यहाँ पे Cl है, ठीक है। NO2 देखो आपको क्या दिखाता है, -M इफेक्ट दिखाता है, बट क्लोरीन आपको क्या दिखाता है, -I इफेक्ट दिखाता है, और -M और -I को कंपेयर करें, -M जो है वो स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग टेंडेंसी है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए NO2 भी आपका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन डेरिवेटिव वाला, ठीक है। अब यहाँ से ऑब्वियसली क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और फिनॉल में कुछ नहीं है तो ये ज़्यादा ही होगा। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करूँ, राइट। अब यहाँ पे फिनॉल पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, ना माइनस आई हो रहा है, ना प्लस आई हो रहा है, बट यहाँ पे देखो आपका हो रहा है यहाँ पे प्लस आई, और वो भी तीन तीन ग्रुप देख लो, तीन तीन आपका प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, जो कि हाईली फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी जो है वो हाईली डिक्रीज करेंगी, बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होगा, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर जो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू फिनॉल, ठीक है। इसीलिए जो आपका यहाँ से आ जाए एरो को फॉलो करोगे तो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है, और एसिडिक टेंडेंसी दैट इज एसिडिक नेचर क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंपेरेटिव वे में पूछ सकते हैं, या तो एक और टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको चार पांच मॉलिक्यूल दे देंगे और बोलेंगे इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी सेम फैक्टर है, यहाँ पे आपका कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, ठीक है, यहाँ पे आपका -M इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे भी -I इफेक्ट लग रहा है, बट यहाँ पे देखो तीन तीन ग्रुप है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईली स्टेबल आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक है। अब डी में देखो, डी में क्या लग रहा है आपका प्लस आई इफेक्ट, जो कि ये आपका अनलाइकली है, ठीक है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर
मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, दैट इज जैसे ही हम एक्वस मीडियम बनाए इसका ओ एच जो है वो वैसे ही दे दे, ठीक है, एज सून एज आपका एक्वस मीडियम बनता है तो ओ एच दैट इज प्रोटोन जो है वो रिलीज कर दे, दैट इज के ए वैल्यू जो है वो हाई बहुत ज़्यादा होगा, डिसोसिएशन कॉन्सेंट जो है वो इस कंपाउंड का बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है. तो सी इज़ द मोस्ट एसिडिक क्योंकि यहाँ पे माइनस एम वाला ग्रुप है एक तो, दूसरा यहाँ पे नंबर ऑफ माइनस एम ज़्यादा है तो इसीलिए यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है. तो दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, हमें दोनों टाइप के लिए रेडी रहना है. या तो आपको चार मॉलिक्यूल्स दे देंगे और बोलेंगे ये तो नॉर्मल है, जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका डिक्रीज करेगा, ये तो नॉर्मल आप लगा दोगे, ठीक है. और यहाँ पे आपको थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा, नंबर्स को चेक करने पड़ेंगे, दोनों के इफेक्ट्स को चेक करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप जो है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, ठीक है. तो दोनों के लिए हमें रेडी रहना है. तो आई होप आपको एसिडिक नेचर जो है वो क्लियर हुआ इस वीडियो के बाद. एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शो योर सपोर्ट एंड अपने दोस्तों को इस सीरीज़ के बारे में बताना मत भूलिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिले. एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.